भरी पूरी दिल्ली में एक इज्जतदार खानदान की बहू और करोड़पति बिजनेसमैन की बीवी अचानक गायब हो जाती है। कायदे से शुरुआती खोजबीन के बाद जब उसका कोई सुराग नहीं मिलता, तभी घर वालों को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में लिखवा देनी चाहिए थी, मगर घर वाले ऐसा नहीं करते। इस दौरान 15 दिन बीत जाते हैं, फिर 15 दिन बाद जो सच सामने आता है उसे सुनकर और जानकर हर कोई सन रह जाता है। दिल्ली के जनकपुरी की रहने वाली 20 साल की नैंसी शर्मा अचानक रहस्यमय तरीके से कहीं गायब हो गई। वो ना तो अपने ससुराल में थी और ना ही मायके में। कुछ दिनों तक लोगों को पता ही नहीं लगा कि नैंसी कहीं चली गई है, लेकिन जब हर गुजरते दिन के साथ नैंसी तक पहुंचना मुश्किल होने लगा तो उसके मायके वालों को शक हुआ। नैंसी का मोबाइल भी उसकी गुमशुदगी के दूसरे ही दिन यानी पिछले 11 नवंबर से ही हैरानी भरे तरीके से स्विच ऑफ आ रहा था। ऐसे में लाख कोशिश के बावजूद भी उस तक पहुंचना नामुमकिन था। और तब 25 नवंबर को नैंसी के पिता ने जनकपुरी थाने में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। चूंकि नैंसी अपने पति साहिल के साथ ही रहती थी, पुलिस ने सबसे पहले साहिल से ही नैंसी की गुमशुदगी का राज पूछने का फैसला किया। लेकिन जब साहिल से बात हुई तो उसने अजीब कहानी सुनाई। उसने बताया कि 11 नवंबर के रोज अचानक दिल्ली की एक ट्रैफिक लाइट पर नैंसी अभी आती हूं कहकर उतरी और गायब हो गई। जाहिर है कि यह कहानी किसी के भी गले से नीचे नहीं उतरती, लिहाजा पुलिस ने नैंसी के पति साहिल से ना सिर्फ उस ट्रैफिक लाइट का पता पूछा, बल्कि यह भी पूछा कि आखिर नैंसी के गायब होने की खबर उसने अब तक पुलिस में क्यों नहीं दी। साहिल के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। ऐसे में पुलिस ने साहिल के साथ सख्ती की तो साहिल के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल और पिछले कुछ दिनों में उसके फोन की लोकेशन भी खंगाली, और बस इसी कोशिश से कत्ल का राज खुल गया। साहिल पिछले कुछ दिनों से शुभम नाम के एक लड़के से दिन में कई कई बार बात कर रहा था और इत्तेफाक से नैंसी की गुमशुदगी के रोज भी दोनों में कई बार बात हुई थी। फोन की पड़ताल से यह भी साफ हुआ कि उस रोज साहिल, उसकी बीवी नैंसी और शुभम भी एक साथ पानीपत की तरफ गए थे। ऐसे में अब साहिल उसके दोस्त शुभम के सामने सच बताने के सिवाय कोई चारा नहीं था, और तब दोनों ने मान लिया था कि उन्होंने धोखे से गोली मारकर नैंसी की जान ली, और अब तक कत्ल का राज छुपाने के लिए वो उसके ट्रैफिक लाइट से अपनी मर्जी के कहीं चले जाने की झूठी कहानी लोगों को सुनाते रहे। लेकिन लव मैरिज के महज 8 महीने बाद हुई कत्ल की ये वारदात जितनी डरावनी और अफसोसनाक है, इसके पीछे की साजिश भी उतनी ही भयानक है। जिस दिन नैंसी गुम हुई थी उस दिन भी नैंसी की अपने पति साहिल से लड़ाई हुई थी, मगर उस दिन लड़ाई के बाद साहिल बहुत जल्दी संभल गया। इसके बाद वो नैंसी की मानता है और उसे खुश करने के लिए लॉन्ग ड्राइव पर चलने के लिए राजी कर लेता है। इसके बाद साहिल और नैंसी दिल्ली से दूर पानीपत के लिए निकल पड़ते हैं। ये नैंसी की जिंदगी का आखिरी सफर था। सेकेंड हैंड कारों का कारोबारी साहिल चोपड़ा और नैंसी की मुलाकात एक बर्थडे पार्टी में हुई थी। दोनों को पहले ही नजर में प्यार हो गया और दोनों घर वालों से अलग लीव इन रिलेशन में रहने लगे। कुछ महीने साथ रहने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन यह शादी दोनों की जिंदगी में अजाब लेकर आई। लव मैरिज और एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद साहिल नैंसी पर किसी और से रिश्ते का शक करता था, और इसी को लेकर दोनों के बीच झगड़े भी होते थे। शादी के कुछ रोज बाद से ही नैंसी और साहिल में अनबन होने लगी और दोनों के बीच लड़ाई झगड़े अब रोज की बात बन गई। 10 नवंबर को भी दोनों के बीच किसी बात को लेकर तीखी नोकझोंक हुई, लेकिन साहिल इससे पहले ही नैंसी से पीछा छुड़ाने का फैसला कर चुका था, लिहाजा नोकझोंक के बाद उसने नैंसी से लॉन्ग ड्राइव पर चलने की गुजारिश की। कहा कि लॉन्ग ड्राइव पर जाने से उसका मूड भी फ्रेश हो जाएगा। नैंसी की बातों में आ गई और दोनों साहिल के यहाँ काम करने वाले एक लड़के शुभम के साथ पानीपत की तरफ रवाना हो गई। सितम देखिए कि नैंसी अपने पति के साथ पानीपत तो जा रही थी, लेकिन उसे भी शक था कि उसके साथ कोई अनहोनी हो सकती है, इसलिए कार में बैठी बैठी उसने मोबाइल से चैट करते हुए अपनी एक सहेली को लिखा था
कि वो साहिल के साथ पानीपत जा रही है, लेकिन अगर उसे कुछ हुआ तो समझना कि साहिल ने उसकी जान ले ली है। लेकिन पानीपत पहुंचकर साहिल अपने असली रूप में आ गया। वहां अपने साथी शुभम के साथ मिलकर साहिल ने अपनी ही बीवी नैंसी के सिर में गोली मार दी और लाश पानीपत रिफाइनरी के पास सुनसान जगह पर फेंक दी। वैसे इस कत्ल में साहिल और शुभम के अलावा बादल नाम का एक लड़का भी शामिल था जिसने कत्ल में मदद की थी। नैंसी की जान लेने के बाद कातिलों ने उसकी लाश जलाने की भी कोशिश की ताकि उसकी पहचान ना हो सके। इत्तेफाक देखिए कि साहिल ने जिस गन से अपनी बीवी नैंसी को गोली मारी वो गन भी नैंसी ने ही कहीं से जुगाड़ की थी, यानी अनजाने में उसने खुद ही अपनी मौत का सामान इकट्ठा किया था जिससे उसके पति ने उसकी जान ले ली। लेकिन जब शक के आधार पर पुलिस नैंसी के पति साहिल को पकड़ा तो उसके बदलते बयानों और मोबाइल फोन की कॉल डिटेल और लोकेशन ने उसके झूठ की चुगली कर दी। अब पुलिस ने इस मामले में साहिल के साथ साथ उसके दोनों साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन दिल्ली में एक करोड़पति कारोबारी की खूनी लव स्टोरी ने हर किसी को चौंका दिया है। पुलिस कंप्लेंट करने फोन नंबर पे करी थी 1091 पे करी थी। तो उसके बाद पीसीआर जब आई थी तो उसके जब घर पे गए थे लड़के के B1451 सेकंड फ्लोर पे ही, तो उसके दादा ने बोला कि बच्चे सही सलामत हैं, परेशान मत हो, बच्चे जिंदा है। अच्छा। बच्चे गए फ्रांस, तो बच्चे फ्रांस गए तो जो पीसीआर वाले थे उनका उनका नंबर बंद क्यों जा रहा है, तो कह रहे घूमने गए, बंद कर दिया उन्होंने, परेशान मत हो बच्चे आ जाए। उनकी फैमिली नहीं मान रही थी साहिल की फैमिली की, फिर बाद में मान गई और फिर शादी हो गई। अच्छी उनके काफी अच्छा फंक्शन हुआ, शादी हुई और उसके बाद इनके जैसे लड़की जो थी 20 साल की थी और लड़का भी काम करता था, तो उसके बाद इनकी शादी के बाद बीच बीच में लड़ाई झगड़ा होने लग गया इनका, आपस में बहसबाजी होने लग गई किसी भी छोटी छोटी बातों पे। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।